अमोक शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम नमन। मित्रों, शिवरात्रि आने वाली है तो इस विषय पर एक अद्भुत जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं। अभी मैं ऐसे ही स्कंद पुराण पढ़ रहा था तो उसमें एक अनोखा विषय आया, ज्ञानवापी मंदिर का, ज्ञानवापी क्षेत्र का, ज्ञानवापी तीर्थ का। तो ज्ञानवापी के बारे में आप सब जानते ही हैं, काशी में जो है विश्वनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा की तरफ ज्ञानवापी परिसर है, जिस पर अभी विवाद भी चल रहा है। तो उसके कुछ साक्ष्य स्कंद पुराण के काशी खंड में आए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सुनेंगे, आप दंग रह जाएंगे, क्या मैंने पढ़ा है। एक कथा आती है काशी में, कार्तिकेय जी अगस्त्य मुनि को कहते हैं, कथा सुनाते हैं कि एक बार ईशान क्षेत्र, हमारी जो दसों दिशाएं होती हैं, आठों दिशाएं होती हैं, उनमें ईशान दिशा जो होती है उसके जो रुद्र होते हैं ईशान, वो एक बार उस काशी क्षेत्र से भ्रमण कर रहे होते हैं। तभी वहां पर भगवान विश्वनाथ का एक अत्यंत सुंदर विश्वेश्वर शिवलिंग उनको दिखाई पड़ता है। तो वो उनके मन में आता है कि मैं इस विश्वनाथ विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा करूं, इनका अभिषेक करूं। तो उन्होंने इसमें स्पष्ट उल्लेख आया है, उस शिवलिंग से दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ जो है उस शिवलिंग से कुछ ही दक्षिण में एक कुंड है, मीठे पानी का कुंड है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है, ज्ञानोद या ज्ञानवापी जिसका नाम है। तो उस ईशान ने उस ज्ञानवापी कुंड से जल के कलश भरे और भगवान विश्वेश्वर का सहस्त्र धारा से अभिषेक किया। समझना बात को, अभिषेक किया तो भगवान शिव वहां पर प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए कि भैया क्या चाहते हो बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूं, और ये चाहता हूं कि ये क्षेत्र जो है ये किसी भी मृत प्राणी के लिए, किसी भी मृतात्मा के लिए ये मोक्ष देने वाला सिद्ध हो। जीवित और मृत व्यक्ति के लिए ये क्षेत्र जो है सबसे उत्तम, पवित्र और मोक्ष देने वाला सिद्ध हो, और आप यहां पर स्वयं विराजमान रहे, यही मेरी प्रार्थना है मृत्यु लोक के वासियों के हित में। तो इस प्रकार से ईशान ने ये प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि जिस कुंड से तुमने ये जल भरा है, उस कुंड के जल से जो भी मेरा अभिषेक करेगा वो व्यक्ति ज्ञान में सर्वोपरि होगा, प्रतिष्ठा में सर्वोपरि होगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और वो अंत में मेरे लोक को प्राप्त होगा। ज्ञानवापी कुंड की बात की जा रही है, उस ज्ञानवापी का जहां पर जब भी विवाद चल रहा है, उस ज्ञानवापी कुंड से जल भर के जो मेरे ऊपर अभिषेक करेगा, जो मुझे स्नान करवाएगा, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य रहेगा और अंत में मेरे लोक को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये जो क्षेत्र तुमने मुझसे मांगा है, काशी का जो क्षेत्र है, बनारस वाराणसी का जो क्षेत्र है, ये मनुष्य को मुक्ति देने के लिए सर्वोपरि होगा, इसके जैसा और कोई तीर्थ इस संसार में नहीं होगा, मैं स्वयं यहां पर विराजमान रहूंगा, इस प्रकार से शिव उनको कहते हैं। इसी प्रकार से शिव ने एक चीज और कही कि गया तीर्थ में जो पितरों का जो तर्पण होता है, जो श्राद्ध होता है, गया तीर्थ में जिस प्रकार से तर्पण किया जाता है, उसी प्रकार से यदि इस ज्ञानवापी कुंड के जल से मेरे इस काशी क्षेत्र में जो तर्पण करता है अपने पितरों का, वो उससे 100 गुना अधिक फल प्राप्त करता है जितना गया में करता है, उससे भी 100 गुना अधिक पितरों का तर्पण का फल आपको काशी क्षेत्र में ज्ञानवापी कुंड के जल के साथ जो तर्पण किया जाता है उससे प्राप्त होता है। यानी एक बात तो तय है कि ये ज्ञानवापी का जो विवाद चल रहा है ये बिल्कुल सनातनियों के पक्ष में होना ही चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये अकाट्य साक्ष्य है। स्कंद पुराण तो कोई अभी का तो छपा हुआ है नहीं, अभी का तो लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। तो ये स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख आ चुका है कि ज्ञानवापी तीर्थ वहां पर उपस्थित है, वहां पर एक कुंड है जो महादेव की दक्षिण दिशा में स्थित है। अब आप फिजिकली आप देख लीजिए गूगल मैप के ऊपर, ज्ञानवापी जो अभी मस्जिद जिसको कहा जाता है, वो ज्ञानवापी परिसर विश्वनाथ से कौन सी दिशा के अंदर है, वो तीर्थ क्षेत्र दक्षिण दिशा के अंदर स्थापित है। ये सारी जानकारी आपको देना आवश्यक था, मुझे अच्छा लगा ये सब पढ़ के, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। हर हर महादेव की बोलिए, नीलकंठ महादेव भगवान की जय बोलिए, भगवान विश्वनाथ की जय बोलिए, ओंकारेश्वर महादेव की जय बोलिए, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदित आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।